Good evening, friends. This is Rahul Magan here as a Group Chief Executive Officer, Treasury Consulting, and also a venture capitalist. आपको काफी लोगों को ये पता है कि मैंने अपना करियर ट्रेजरी मार्केट से शुरू किया और वो भी एक मॉडेस्ट वे में. इंडिया में ट्रेजरी मार्केट और कॉर्पोरेट ट्रेजरी 99.99% जो होती है वो कॉस्ट सेंटर मानी जाती है. कॉस्ट सेंटर का मतलब होता है कि इंडिया में आज भी ट्रेजरी लोगों को फंड ट्रांसफ़र, आरटीजीएस, एफडी, म्यूचुअल फंड इनके लिए रखा जाता है. उनका जो ब्रेन होता है उसका यूज़ हार्डली कोई ऑर्गेनाइजेशन करती है. कुछ गिनी चुनी अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, टीसीएस, ऐसी दो चार ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो अपने ट्रेजरी को एक हेज फंड की तरह चलाती हैं और ये बहुत अच्छी बात है. ये एक कॉम्प्लीमेंट है जो मैं उनको दे रहा हूँ. इसीलिए ही शायद रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और टीसीएस इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं और ये एक अच्छा कॉम्प्लीमेंट है कि अपने ट्रेजरी के रिसोर्सेज को हमेशा ही आप एज अ प्रॉफिट सेंटर की तरह यूज़ करें, उनके ब्रेन को हमेशा पॉजिटिव वे में यूज़ करें, ना कि उनसे लेटर बनवाएं, आरटीजीएस, एफडी, फंड ट्रांसफ़र करवाएं. शायद इसीलिए रिलायंस और टीसीएस इतनी बड़ी कंपनीज बन पाई. ऑफकोर्स फाउंडर्स का विजन तो होता ही है, उनकी आगे कि वो क्या क्या नए प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं उनका विजन होता है, लेकिन ट्रेजरी के लोग जब ऑर्गेनाइजेशन में एज अ इनपुट काम करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है. रिलायंस और टीसीएस इसका लाइव एग्जांपल है और मैं विश करता हूँ कि रिलायंस और टीसीएस अपने इस पॉजिटिव मॉडल को आगे भी कंटिन्यू करेंगे ताकि वो हमेशा ही एक एग्जाम्पल की तरह आगे आ जाएंगे, वो भी पॉजिटिव एग्जाम्पल की तरह. तो जब ट्रेजरी करियर शुरू किया तो आपको तो पता ही है इंडिया में ट्रेजरी का क्या माइंडसेट है, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, उसकी अप्रूवल नहीं है, उसकी अप्रूवल नहीं है, बोर्ड अप्रूवल नहीं देता, चलो ठीक है प्रेजेंटेशन बना दो, ये कर दो. 7 साल मुझे लग गए अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ इस चीज़ को अप्रूव करवाने के लिए कि हमें ऑप्शंस लेनी चाहिए. 7 साल जिसमें मैंने प्रॉपर रिसर्च करी इंडिया की सारी आईटी कंपनीज की, जिसमें विप्रो, एचसीएल, कॉग्निजेंट, कैपजेमिनी, सबकी एनुअल रिपोर्ट्स जो पब्लिक डोमेन में है सबकी रिसर्च करके अपनी कंपनी को समहाउ कन्विंस किया कि हमें ऑप्शंस लेना चाहिए. 7 साल का समय लग गया सिर्फ एक कन्विंस करने के लिए. लेकिन 28 ईयर्स की एज में ही मैंने अपनी ऑप्शंस पे एक बुक लिखी और अब मेरी सेकेंड बुक भी शायद बहुत जल्दी पब्लिश होगी. मेरा शुरू से ही एक ऑब्जेक्टिव था कि ट्रेजरी एंटरप्रेन्योर बनना और एंटरप्रेन्योर बनके ट्रेजरी कंसल्टिंग को एज अ बैंक के रूप में देखना. बैंक थोड़ा सा दूर है इन द सेंस उसका एक इम्पॉर्टेंट रीजन कोरोना वायरस है. आपको तो पता ही है कि हर सबकी अपनी अलग अलग एक्सपेक्टेशंस हैं कोरोना वायरस पे, मेरी भी अपनी ये एक्सपेक्टेशंस हैं और मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि कोरोना वायरस 2022 से एंड से पहले तो जाने वाला है नहीं, कम्प्लीटली इरेडिकेट होने वाला है नहीं. एक चीज़ होती है जैसे पोलियो, मलेरिया, चिकन पॉक्स, दुनिया की लीडिंग फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने, गवर्नमेंट्स ने इन इश्यूज को पूरा इरेडिकेट कर दिया है, कम्प्लीटली इरेडिकेट कर दिया है. उनको समय लगा इस चीज को इरेडिकेट करने में, समय लगता भी है, लेकिन अब ये कम्प्लीटली इरेडिकेट हो गई है. तो मेरा भी पर्सनल ओपिनियन ये है कि कोरोना वायरस में भी समय लगेगा, लेकिन समहाउ कई लोगों का ओपिनियन है कि यू नो. तो बैंक बनने में अभी कम से कम 2-3 साल हैं और प्रोबेबली 2024 के एंड तक हम बैंक के लिए आगे बढ़ेंगे. ऑफकोर्स लंदन में ही आगे बढ़ेंगे. एक और जो ट्रेजरी कंसल्टिंग का ऑब्जेक्टिव था, मैंने इसमें था इसलिए किया कि अब वो ऑलमोस्ट पूरा होने वाला है, विच इज़ कि हमारी अपनी एक खुद की एक्सचेंज हो और वो भी कमोडिटीज़ में. जब मैंने ट्रेजरी में करियर शुरू किया तो मुझे ऐसा लगता था कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है. वैसे वो आज भी बड़ी मार्केट है क्योंकि BIS, बैंक फॉर इंटरनेशनल स्टेटमेंट की
सॉरी बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट की जो ट्रायनल सर्वे यानी हर 3 साल बाद सर्वे आता है उनकी रिपोर्ट के हिसाब से डेली स्पॉट मार्केट 6.5 ट्रिलियन है, यानी अप्रॉक्सीमेटली चाइनीज़ जीडीपी का आधा, यानी जितनी चाइनीज़ जीडीपी है उसका 50% डेली एफएक्स टर्नओवर है। तो मार्केट तो बड़ी है, नो डाउट। इस मार्केट में मेजर प्लेयर्स यूएस और यूरोपियन बैंक्स हैं और रहेंगे, क्योंकि उनके पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसके कारण वो इस चीज़ को कर सकते हैं। लेकिन एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी है कि कमोडिटीज मार्केट इस दुनिया की लार्जेस्ट मार्केट है। उसका वॉल्यूम डेली बेस पे कितना है ये आज तक कोई एक्यूरेटली बता नहीं पाया। आई थिंक कोई बता भी नहीं पाएगा, क्योंकि कमोडिटीज मार्केट में गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनियम, डायमंड, यूरेनियम, टाइटेनियम, कॉपर, कोल, इलेक्ट्रिसिटी, यू नो, नेचुरल गैस, एलएनजी, ऑयल और पता नहीं क्या क्या, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम सेक्टर का ही अपना इतना एक्सपोजर है कि उसका ही राइट एस्टिमेट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है इन सब का मिला के। तो आई रियली डोंट थिंक कि किसी भी यूएस बैंक के पास इसका राइट आंसर होगा कि डेली बेस पे कमोडिटीज़ में कितना टर्नओवर है। लेकिन एक एस्टीमेट के हिसाब से, मेरा पर्सनल एस्टीमेट है कि कमोडिटीज़ मार्केट का डेली टर्नओवर जो है वो एफएक्स मार्केट से 40 या 50 टाइम्स ऊपर है, 40 या 50 टाइम्स ऊपर है डेली बेसिस पे। लंदन मेटल एक्सचेंज, शिकागो मेटल एक्सचेंज, यू नो, जापानीज मेटल एक्सचेंज, सॉरी, टोक्यो मेटल एक्सचेंज, शंघाई मेटल एक्सचेंज, ये इतनी बड़ी बड़ी मेटल एक्सचेंजेस हैं कि इनका ईयर बेस पे टर्नओवर अगर आप देखेंगे तो आप सरप्राइज हो जाएंगे कि ये चल कैसे रही हैं, फ्लॉलेस, हैट्स ऑफ। अगर आप शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज की वेबसाइट पे देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि वो वेबसाइट नहीं है, वो एक तरीके से एक नॉलेज पोर्टल है। मैं तो 2007 और 2008 से ही उनकी वेबसाइट का रेगुलर रेगुलर यूज़र रहा हूँ, एंड थैंकफुली रेगुलर यूज़र रहने की वजह से कुछ बेनिफिट्स वो ऑफर कर देते हैं कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस पे। लंदन मेटल एक्सचेंज का भी ऑलमोस्ट यही हाल है। सो मच इसलिए कोई नहीं जानता कि डेली बेस पे कमोडिटी एक्सचेंज कितना टर्नओवर करती है, क्योंकि वॉल्यूम इतना बिग है दोस्तों कि मतलब एस्टीमेट लगाना ही असंभव है। ट्रेजरी कंसल्टिंग का हमेशा से एक ड्रीम रहा है कि ट्रेजरी कंसल्टिंग जो है वो एक कमोडिटी एक्सचेंज ओपन करे, और आई थिंक अब समय आ गया है ट्रेजरी कंसल्टिंग को आगे बढ़ने का और कमोडिटी एक्सचेंज ओपन करने का। हर एक्सचेंज के 3 इम्पॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। अगर आप चाहे सीएमई देखें, शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज, एलएमई देखें, लंदन मर्केंटाइल एक्सचेंज, शंघाई मर्केंटाइल एक्सचेंज, एसजीएक्स, सिंगापुर एक्सचेंज, या कोई भी एक्सचेंज देखे, उनके 3 पार्ट्स होते हैं इम्पॉर्टेंट। नंबर 1 पार्ट होता है इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि आप क्या क्या ऑफर करेंगे। जब मैं सीएमई की बात करता हूँ, शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज की, तो इस दुनिया में हार्डली ही कोई चीज़ होगी जो वो ऑफर नहीं करते होंगे, हार्डली ही कोई चीज़ होगी। एलएमई की बात करता हूं तो हार्डली ही कोई बेस मेटल होगा जो उनके स्कोप से बाहर होगा। दूसरा एक चीज होती है लर्निंग अकेडमीज, हर स्टॉक एक्सचेंज की, हर कमोडिटी एक्सचेंज की, चाहे वो सीएमई हो, एलएमई हो, दालियान कमोडिटी एक्सचेंज हो, शंघाई कमोडिटी एक्सचेंज हो, टोक्यो कमोडिटी एक्सचेंज हो, या जितनी भी हो, सबकी अपनी अलग अलग लर्निंग अकेडमीज हैं। और वो लर्निंग अकेडमीज काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग्स, कोर्सेज, नॉलेज शेयरिंग, ये सब पब्लिक डोमेन में लेके आती हैं। तीसरा सेटअप होता है एक कमोडिटी एक्सचेंज का, विच इज ट्रेडिंग, जिसमें कि आप गोल्ड को, जैसे अभी भी, जैसे हम 1805 पे हैं, तो हो सकता है बहुत सारे लोग अभी भी गोल्ड में बाय सेल कर रहे होंगे, कॉमिक्स में, एमसीएक्स में, एंड समथिंग लाइक दैट। कोई कोई विन करेगा, कोई लूज करेगा, दिस इज अ ट्रेडिंग पार्ट। तो एक
कमोडिटी एक्सचेंज के तीन इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, पहला इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा डेफिनेटली द लर्निंग अकेडमीज, और तीसरा जो है वो ट्रेडिंग पार्ट। अनफॉर्चुनेटली ह्यूमन बीइंग का माइंडसेट ये है कि वो ट्रेडिंग को प्रेफरेंस देता है, इसलिए प्रेफरेंस देता है कि वो ट्रेडिंग करना चाहता है लेकिन उसकी लर्निंग जीरो होती है। दैट इज, इसलिए अगर आप ध्यान से देखें तो मेजोरिटी लोग लॉस करते हैं। जैसे मेरे को कई व्हाट्सएप मैसेज आते हैं, आज भी एक व्हाट्सएप मैसेज आया जिसमें किसी ने बोला कि मैंने गोल्ड को शॉर्ट किया हुआ है अराउंड 1769 पे और अब गोल्ड हो गया है 1805, और यहाँ से मेरा पर्सनल एस्टिमेट है कि गोल्ड यहाँ से 1830 की तरफ मूव कर रहा है। क्योंकि मैं तो आपको कितने दिनों से कह रहा हूँ यूट्यूब पे कि वैक्सीन और वैक्सीन की न्यूज़ दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। वैक्सीन अच्छी बात है, वैक्सीन की न्यूज़ अच्छी बात है, लेकिन वैक्सीन अभी आई नहीं है, दोनों में डिफरेंस है। आज भी एक जगह एक इशू रेज हुआ कि किसने कमेंट मारा कि एक्स वाई जेड कंपनी की उसमें एक बेसिकली साइड इफेक्ट्स हैं। अब मैं मेडिकल प्रोफेशनल नहीं हूँ तो मुझे पता नहीं कि वो साइड इफेक्ट है या नहीं है, तो मुझे पता नहीं, तो जो मुझे पता नहीं उस पर मैं बिल्कुल भी कमेंट नहीं करता। हाँ, अगर ये किसी सेंट्रल बैंक से रिलेटेड होता तो मैं डेफिनेटली आके आपको कमेंट करता कि ये चीज़ गलत है या सही है। अब 1769 पे सेल करने का मतलब ये है कि उसको इतना भी नहीं पता कि गोल्ड के अंदर मूवमेंट कैसे होती है, तो 1769 पे सेल करेगा, 1805 पे लॉस बुक करेगा, यानी अराउंड $30-35 का वो लॉस बुक करेगा क्योंकि उसकी लर्निंग्स नहीं है। हमारा एक माइंडसेट है कि हम कि क्योंकि ट्रेडिंग हमेशा लॉस में होती है, ट्रेडिंग हमेशा लॉस में नहीं होती दोस्तों, ट्रेडिंग प्रॉफिट में होती है। आपको पता है गोल्डमैन सैक्स, जेपी मॉर्गन, ये ऐसे ऐसे बैंक्स हैं जिनकी अगर आप एनुअल FICC का मतलब होता है फिक्स्ड इनकम करेंसीज कमोडिटी, इंडियन बैंक्स की इवैल्यूएशन होती है नेट प्रॉफिट, ग्रॉस NPA, जो कि ऑब्सोल्यूट स्टैंडर्ड्स हैं। जैसे आज कोई बोले कि मेरे पास एक पिस्टल है, कम ऑन गाइस, आज तो अगर आप स्कॉटलैंड पुलिस को देखो, उनके वेपन्स, ऐसा कहा जाता है कि स्कॉटलैंड पुलिस के जो वेपन्स हैं वो इस दुनिया के बेस्ट वेपन्स होते हैं। एनीवेज, तो होता क्या है कि हमारी लर्निंग्स की कमी के कारण हम एक हैवी प्राइस लाइफ में पे करते हैं क्योंकि हमें पता ही नहीं होता चीजें कैसे करनी है। हम इक्विटी मार्केट में एंटर करते हैं, उसमें हमारे कोई नॉलेज नहीं होती। हम कमोडिटी मार्केट में एंटर करते हैं, उसमें हमें कोई नॉलेज नहीं होती। हम आई वुड से क्रेडिट मार्केट में एंटर करते हैं, करेंसी मार्केट्स में एंटर करते हैं, उसमें हमें कोई नॉलेज नहीं होती। एट द एंड हम हमेशा लॉस में ही जाते हैं, और एक यूफोरिया, एक माइंडसेट क्रिएट हो जाता है। वो माइंडसेट होता है कि ट्रेडिंग हमेशा लॉस में होती है, ऐसा नहीं होता। अगर ट्रेडिंग हमेशा लॉस में होती तो दुनिया के टॉप बैंक्स गोल्डमैन, जेपी मॉर्गन, सिटी, वेल्स फार्गो, मॉर्गन स्टैनली, ये सारे लॉस में होते, प्रॉफिट में ना होते। अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे गोल्डमैन सैक्स और जेपी मॉर्गन चेस का FICC रिवेन्यू देखेंगे तो आपको ऐसे करके देखना पड़ेगा। लेकिन हमारे पास समय ही नहीं है कि हम उनकी एनुअल रिपोर्ट एक बार खोल के देखें, इतना तो समय ही नहीं है हमारे पास। इसलिए ट्रेजरी कंसल्टिंग का जो सेकंड ड्रीम है, क्योंकि फर्स्ट ड्रीम बैंक में अभी थोड़ा समय है, ऐसा नहीं कि हम उस पर काम नहीं कर रहे, सेकंड ड्रीम कमोडिटी एक्सचेंज जो है, अब वो ड्रीम फुलफिल होने का टाइम आ गया है। वो ट्रेजरी कंसल्टिंग अपनी कमोडिटी एक्सचेंज की जो डिजाइनिंग है वो ऑलरेडी शुरू कर चुकी है। ऑफ कोर्स उसकी डिजाइनिंग कंप्लीट होने में 60 डेज का टाइम लगेगा, यानी कि हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जनवरी 2021 का एंड या फरवरी 2021 के मिड तक हमारी एक्सचेंज लाइव होगी। लेकिन इस एक्सचेंज में हम स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे, यानी कि जो इसके पहले दो इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर और लर्निंग अकेडमीज, उन दोनों पे हम बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे। इनफैक्ट फोकस ही उन पर करेंगे। जो
ट्रेडिंग वाला पार्ट है वो शायद हम 2022 के मिड तक या प्रोबेबली 2022 के एंड में लेके आएंगे, अभी नहीं लेके आएंगे, तो उसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा। ट्रेजरी कंसल्टिंग का कमोडिटीज मार्केट में अच्छा एक्सपोजर है, लेकिन अभी हमारी कमोडिटी मार्केट में जो लर्निंग्स हैं, जो हम प्रोवाइड कराते हैं लर्निंग्स, वो काफ़ी स्मॉल स्केल पे हैं कंपेयर टू कमोडिटीज मार्केट अक्रॉस द ग्लोब, जिसकी वैल्यूएशन मैं आपको रिपीट करता हूँ, कोई यूएस बैंक शायद ही कर पाए। अब हम इसको एक्सपेंड करना चाहते हैं यूजिंग एन एक्सचेंज, और मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि ऑफकोर्स शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज बनने में तो समय लगेगा, लंदन मर्केंटाइल एक्सचेंज बनने में भी समय लगेगा, लेकिन हम इनके इनके मुकाबले की एक एक्सचेंज खड़ी करेंगे, और इस एक्सचेंज को हम इसका इंफ्रास्ट्रक्चर और इसकी लर्निंग अकेडमीज पे काफ़ी फोकस करेंगे, जिसके अंदर हम कॉमिक्स प्लेटफॉर्म्स को इंक्लूड करेंगे, कॉमिक्स प्लेटफॉर्म्स पे कैसे ट्रेड किया जाता है, इंडियन प्लेटफॉर्म MCX पे कैसे ट्रेड किया जाता है, ट्रेनिंग्स नॉट ट्रेडिंग डिफरेंस, इस पे हम काफ़ी फोकस करेंगे। मे बी 2022 के एंड में हम लोग देखते हैं कि अगर हम ट्रेडिंग ट्रेडिंग को कैसे हम कर पाएंगे, या फिर तब का क्या सिनेरियो होगा, लेकिन फिलहाल 2022 के एंड से पहले तो ट्रेडिंग इज समथिंग विच इज इम्पॉसिबल टू बी ऑनेस्ट। और ये एक्सचेंज आने में 2000 अराउंड मैक्सिमम 15 फरवरी 2021 तक हम इस एक्सचेंज को लाइव कर देंगे, इसका जो है वो हमने इनिशिएशन जो है वो ऑलरेडी कर दिया है। कमोडिटी एक्सचेंज में एक और चीज़ होती है, आई डोंट नो आपको पता है कि नहीं पता, विच इज़ नोन एज CTRM। CTRM स्टैंड्स फॉर कमोडिटीज रिस्क मैनेजमेंट। कमोडिटीज रिस्क मैनेजमेंट का मतलब होता है जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, जैसे कि कारगिल, ओला, मैक्रो, ये सारी कंपनीज जो हैं ये बाय सेल पोजीशंस लेती हैं डेली बेस पे, इनकी रिक्वायरमेंट भी होती है इसलिए लेते हैं। कई कमोडिटीज कंपनी वर्ल्ड वाइड एक प्रॉफिट बुक भी मेंटेन करती हैं, उनकी प्रॉफिट बुकिंग ऐसी प्रॉफिट बुक होती है कि उनकी अगर नेचुरल गैस में रिक्वायरमेंट है 10 MMBTU, तो वो जानबूझ के 100 MMBTU लेंगे, जो 90 MMBTU पे प्रॉफिट आएगा वो अपने प्रॉफिट अकाउंट में डाल देंगे, जिससे कि ट्रेडर को एक समहाउ काइंड ऑफ बोनस एलोकेट होता है। तो कई कमोडिटीज कंपनीज जो होती हैं वो उतना ही एक्सपोजर लेती हैं जितना रिक्वायरमेंट होती है, कई कमोडिटीज कंपनीज उससे 10 टाइम्स एक्सपोजर लेती हैं और वो प्रॉफिट बुकिंग को हैंडल करती हैं, लेकिन आप जितना भी एक्सपोजर लें वो सारा एक्सपोजर एक सिस्टम के थ्रू रूट होता है, जिसे बोला जाता है CTRM। अनफॉर्चुनेटली अगर आप देखेंगे ध्यान से, आई एम श्योर कि 99% लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनको CTRM का मतलब भी नहीं पता होगा, शायद उन्होंने CTRM पहली बार सुना होगा कि CTRM नाम की भी कोई चीज होती है, यू नो टू बी ऑनेस्ट। ट्रेजरी कंसल्टिंग कमोडिटी एक्सचेंज तो डेफिनेटली लॉन्च कर रही है, और इसका श्री गणेश जो है वो ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन जो CTRM का सॉफ्टवेयर है उसका श्री गणेश ऑलरेडी हो चुका है। तो CTRM का सॉफ्टवेयर तो हम अभी नहीं लॉन्च कर रहे हैं, लेकिन हम उसके एक्सेल मॉडल्स लॉन्च कर रहे हैं। मेरे ख्याल से अगर मैं गलत नहीं हूं तो टीम ने 10-12 एक्सेल मॉडल्स ऑलरेडी रेडी कर दिए हैं, और उसके थ्रू आप अपनी कमोडिटीज रिस्क मैनेजमेंट को एक्सेल मॉडल के थ्रू रन कर सकते हैं। ऑफकोर्स मैं मां समझता हूँ कि सॉफ्टवेयर बेस्ट होता है, लेकिन आज भी ऐसी कई कंपनीज हैं जो एक्सेल पे चलती हैं। दैट इज, और धीरे धीरे हम उनको यू नो इसको सॉफ्टवेयर भी लॉन्च करेंगे, समय लगेगा, समय हर चीज में लगता है, किस चीज में समय नहीं लगता, लेकिन मैं आपको इतना प्रॉमिस दिलाता हूं कि 2021 में ट्रेजरी कंसल्टिंग, जिसे 2020 के एंड में ट्रेजरी कंसल्टिंग का हेज फंड डेस्क कंप्लीटली अननोन था, लेकिन 2020 में हमारी प्रिडिक्शंस, हमारी रिसर्च पब्लिक डोमेन में आई और बाकी आपने देखा ही है, लेकिन 2021 में हम कमोडिटी सेक्टर पे काफ़ी फोकस करेंगे, जिसमें कि हम एक्सचेंज पे फोकस करेंगे, ऑफकोर्स ट्रेडिंग पीस पे हम 2022 में फोकस करेंगे, अभी नहीं, वो भी एंड में शायद जाके CTRM पे फोकस करेंगे, और ऐसी कई चीज़ें लेके आएंगे जिससे कि एक
जिससे कि अगर हम किसी यूएस बैंक के इक्विवेलेंट नहीं हो सकते तो कम से कम हम यूएस बैंक को एक डेमो देंगे कि कमोडिटीज मार्केट में और भी कोई है जो कि कोशिश कर रहा है। और इसमें हमारा मेजर फोकस इस टाइम पे इंफ्रास्ट्रक्चर पे होगा कि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो। डेफिनेटली हमारा मेजर फोकस उस पे उसकी लर्निंग अकेडमीज पे होगा। ट्रेडिंग पे हम 22 पे फोकस करेंगे। CTRM पे होगा क्योंकि CTRM में तो आपने जो ट्रांजेक्शन ली आप सिस्टम में डालते हैं और उससे वो सिस्टम के बेस पे रिजल्ट आ जाता है। फिर चाहे वो सिस्टम हो या एक्सेल फाइल हो उससे कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता क्योंकि अल्टीमेटली जो इनपुट आपका आता है वो आपके PNL या बैलेंस शीट के डेबिट या क्रेडिट में जाता है, जिसे कई लोग कमोडिटीज हेज अकाउंटिंग भी बोलते हैं। ये मैं आपको बताना चाहता था कि लाइफ में बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं अगर हम ध्यान से देखें। लाइफ में कोई विद ड्यू रिस्पेक्ट NSE BSE या ये सब नहीं होता। लाइफ एक बहुत बड़ी चीज़ होती है अगर हम कुछ करने की कोशिश करें। अगर हम कुछ ना ही करने की कोशिश करें तो फिर तो लाइफ इज़ ऑल अबाउट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। इससे बड़ी लाइफ कभी हो ही नहीं सकती। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो यूएस बैंक्स ने जो एग्जाम्पल सेट किया है उस एग्जाम्पल को रेप्लीकेट करने के लिए शायद ये बर्थ जो है कम पड़ेगा। क्योंकि अगर मैं गोल्डमैन की बात करूं तो गोल्डमैन अलोन 150 ईयर्स ओल्ड बैंक है। पिछले 150 ईयर्स से मल्टीपल जनरेशंस गोल्डमैन की के लिए काम कर रही हैं और सबने एक्सेप्शनली काम किया है और इसीलिए शायद एक ऐसा बैंक जो 150 ईयर्स प्लस है आज कहाँ से कहाँ है। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की दुनिया में गोल्डमैन सैक्स का नाम ना लिया जाए ये तो संभव ही नहीं है। दैट इज और अगर कोई इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की दुनिया में गोल्डमैन सैक्स को नहीं जानता तो उसके बारे में तो कहना थोड़ा मुश्किल है टू बी ऑनेस्ट। कमोडिटीज एक्सचेंज ओन है। कमोडिटीज के CTRM के मॉडल्स बन चुके हैं और बहुत जल्दी आप हमारे YouTube चैनल पे CTRM से रिलेटेड डिस्कशंस देखेंगे। इस वक्त अगर आप YouTube चैनल बेसिकली YouTube ओपन करेंगे तो CTRM डालेंगे तो आपको ये दिखेगा कि हार्डली कोई CTRM पे बोलता है क्योंकि ये एक फैक्ट है। क्योंकि CTRM आज पूरा कुछ गिनी चुनी US कंपनीज के कंट्रोल में है। हार्डली कोई एक या दो इंडियन कंपनीज है जो CTRM में काम करती हैं और वो भी एक छोटा सा मतलब मार्जिनली काम करती हैं। दैट इज एक दो को तो मैं पर्सनली भी जानता हूँ। दिस इज राहुल फ्रॉम ट्रेजरी कंसल्टिंग। यू नो आवर व्हाट्सअप 9818485155। ट्रेजरी कंसल्टिंग बहुत जल्दी आपसे मिलेगी। लर्निंग अकेडमीज कमोडिटीज की स्टार्ट हो चुकी है और ये लर्निंग अकेडमी शीतल अकेडमी जो हमारी लर्निंग साम्स हैं उसके अंडर काम करेंगी। और मैं आपको एश्योर करता हूँ कि हमारी लर्निंग्स अकेडमी कॉमेक्स, लंडन मेटल एक्सचेंज, शंघाई मेटल एक्सचेंज, टोक्यो मेटल एक्सचेंज, दालियान मेटल एक्सचेंज, सिंगापुर मेटल एक्सचेंज, इन सारी एक्सचेंजेस को कवर करेगी। थोड़ा समय लगेगा लेकिन 2021 के एंड तक हम इस पोजीशन में ज़रूर होंगे कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर और लर्निंग्स में काफ़ी आगे निकल चुके होंगे। 22 के एंड में देखते हैं। लेट्स स्टार्ट द ट्रेडिंग। ट्रेडिंग तो करनी ही है डेफिनेटली लेकिन 22 के एंड में देखते हैं। हैव अ गुड टाइम एंड थैंक यू वेरी मच। दिस इज राहुल फ्रॉम ट्रेजरी कंसल्टिंग। यू नो आवर व्हाट्सअप 9818485155। हैव अ गुड टाइम सर। थैंक यू।